नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट फंडस में। दोस्तों, साइमंस इंडिया लिमिटेड ने Q2 के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए, तो आज हम रिजल्ट्स का फुल एनालिसिस करने वाले। तो दोस्तों, सबसे पहले क्वार्टर एंडेड रिजल्ट्स देखेंगे, फिर हाफ ईयरली एंडेड रिजल्ट्स देखेंगे। तो क्वार्टर एंडेड रिजल्ट्स की बात करूँ दोस्तों, तो एज ऑन सेप्टेम्बर 2021 कंपनी का जो टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन है वो है 4,296 करोड़। वहीं एज ऑन जून 2021 की बात करूं तो ये है 2,934 करोड़। तो यहाँ पे 46% का ग्रोथ देखने को हमें मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। वहीं लास्ट ईयर में क्वार्टर की बात करूं तो ये रहा अराउंड 3,547 करोड़। तो एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर एंड क्वार्टर की भी हम देखें तो कंपनी का जो टोटल इनकम है वो इंक्रीज हुआ है। वहीं दोस्तों, अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो यहाँ पे 131% का कंपनी ने शानदार ग्रोथ दिखाया हुआ है। तो ये 139 करोड़ था एज ऑन जून 2021, वो इंक्रीज होकर 321 करोड़ हो गया एज ऑन सितंबर 2021। तो यहाँ पे शानदार कंपनी ने काफी अच्छा ग्रोथ दिखाया हुआ है इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट। वहीं दोस्तों, अगर मैं हाफ ईयरली एंडेड रिजल्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पे 37% का ग्रोथ दिख रहा है ईयर ऑन ईयर। तो लास्ट ईयर कंपनी के जो अगर मैं 6 मंथ्स का कॉन्सोलिडेट रेवेन्यू लूँ तो यहाँ पे 9,946 करोड़ था, ये इंक्रीज होकर 13,639 करोड़ हो गया है। वहीं कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 768 करोड़ से इंक्रीज हो गए 1,090 करोड़ हो गया। तो ये 42% का कंपनी ने यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया हुआ है। वहीं कंपनी का जो ईपीएस है लास्ट ईयर ये ज्यादा अराउंड 21.59 का ईपीएस था, वो इंक्रीज होकर 30.62 का हो गया है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर हम देखेंगे तो ये अराउंड 3.90 से इंक्रीज होकर 9.03 हो गया है। तो यहाँ पे कंपनी की जो ओवरऑल रिजल्ट्स हम देखने को मिल रहे हैं तो काफी शानदार कंपनी ने नतीजे दिए हुए। तो दोस्तों, अभी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते वो कैसा है। दोस्तों, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 75% का कांस्टेंट इनका प्रमोटर्स होल्डिंग रहा है, इसमें कोई भी डिक्रीज नहीं हुआ है, ये कांस्टेंट है। तो एक अगेन ये पॉजिटिव चीज है कंपनी के लिए। वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपनी होल्डिंग जो है वो इंक्रीज की हुई है। तो ये आप देख रहे हैं कि दोस्तों सितंबर 2020 से ये लगातार इंक्रीज हमें देखने को मिल रही है। जैसे कि लास्ट ईयर इनका 4.01 का परसेंटेज का होल्डिंग था फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, वो इंक्रीज होके 5.21% हो गया। तो यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को इस कंपनी में इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, इसीलिए ये लोग अपनी होल्डिंग जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। वहीं अगर मैं डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करूँ, उनकी मामूली सी होल्डिंग इस बार डिक्रीज हुई है एज ऑन सेप्टेम्बर 2021। तो लास्ट जून में था वो 10.35% था, वो डिक्रीज हो गए 9.92% हो गया है। दोस्तों, कंपनी का अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं तो लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने शानदार रिटर्न्स दिए है, अराउंड 114% के आसपास कंपनी के रिटर्न्स दिए हुए। और वहीं लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स की बात करूं तो ये 66% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। और लास्ट 6 मंथ्स की बात करूं तो ये 12% के आसपास रिटर्न्स इनके देखने को मिल रहे हैं। तो लास्ट 12 मंथ्स अगर लास्ट 6 मंथ्स में अगर कंपनी का शेयर प्राइस देखे तो ये अराउंड 1,940 हुआ एज ऑन जुलाई, वो इंक्रीज हो गया अभी एज ऑन डेट 2,266 हो गया है। तो नो डाउट दोस्तों, यहाँ पे रिजल्ट्स काफी शानदार आए हैं और आगे भी ऐसा लग रहा है कि आगे भी स्टॉक प्राइस है वो बढ़ने की संभावना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।